नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की चार महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। सभी दल अपनी साख को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं दल बदल नेताजी को अपनी ओर करने की राजनीति मनमुटाव को खत्म कर अपनी ओर मिलाने की जुगत चालू है। इलेक्शन से पहले भारतीय जनता पार्टी जातीय समीकरण साधने में जुटी है। वहीं महत्वपूर्ण छोटे दलों ने अपने भाव दिखाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन राजभर ने बातचीत करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया। राजभर ने बात करने की बजाय फोन अपने पीए को पकड़ा दिया। लेकिन सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि बीजेपी को साफ संदेश दे दिया गया है कि बहुत धोखा खा चुके, अब आश्वासन नहीं रिजल्ट चाहिए। दरअसल चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। वहीं छोटे दलों ने अपना भाव दिखाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सहयोगी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजघर ने भविष्य में भाजपा के साथ किसी प्रकार के गठबंधन से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि वहां पिछड़े वर्ग के नेताओं की हालत गुलामों जैसी है। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के किसी नेता के संपर्क में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यदि उन्हें न्योता देते हैं तो वो भी उनसे मुलाकात नहीं करेंगे। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव से पहले राजभर की पार्टी ने भाजपा से गठबंधन किया था और यह करार अमित शाह की मौजूदगी में हुआ था। वर्ष 2017 के चुनाव में भाजपा ने राजभर की पार्टी को 8 सीटें दी थी, जिनमें 4 सीटों पर राजभर समेत उनकी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। राजभर को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया, लेकिन कुछ माह बाद ही भाजपा से उनकी दूरी बढ़ती गई और अंततः उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य को सामने रखकर उत्तर प्रदेश विधानसभा का पिछला चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार में मौर्य की ना सिर्फ उपेक्षा की गई है, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय से उनका नेम प्लेट भी उखाड़ कर फेंक दिया गया है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वह भागीदारी संकल्प मोर्चा को मजबूत बनाने में जुटे हैं। उन्होंने दावा किया कि सपा के पूर्व नेता शिवपाल यादव व भीम आर्मी नेता चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले समय में मोर्चा का हिस्सा होंगे। उन्होंने बताया कि AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी बहुत जल्द लखनऊ आएंगे और इसके बाद मोर्चे को सशक्त बनाने की रणनीतिक तैयारी की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद को अपने पाले में लाकर बीजेपी नेतृत्व अपनी पीठ थपथपाते नहीं अघा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कुछ उलट ही है। पंचायत चुनाव के नतीजों से आभास हो रहा है कि बीजेपी की हालत यूपी में पतली है। यही वजह है कि अरसे से बीजेपी के हमजोली रहे छोटे छोटे दल मोलभाव पर उतर आए हैं। कोई केंद्र में मंत्री पद मांग रहा है तो कोई बीजेपी नेतृत्व से बात करने को भी तैयार नहीं है। जाहिर है डिमांड ज़्यादा है। उधर एक अन्य घटनाक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपने गठबंधन के दोनों सहयोगों अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और ग्रामीण सांसद प्रवीण निषाद से अपने आवास पर मुलाकात की। साथ ही उन्होंने यह संकेत भी दिया कि यूपी में बीजेपी अपने गठबंधन को सहेज कर चलेगी। ये सभी अपने अपने लिए मंत्री पद मांग कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक वैदिक व सोलर सिटी के रूप में विकसित कराएगी। सनातन परंपरा के अनुसार आध्यात्मिक केंद्र, वैश्विक पर्यटन स्थली और सस्टेनेबल नगरी की सुविधा दी जाएगी। अयोध्या धाम वैश्विक पहचान स्थापित करते हुए अपने मौलिक धार्मिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक व आध्यात्मिक स्वरूप के साथ उभरेगा।
मुख्यमंत्री ने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट पर प्रस्तुतिकरण के दौरान कहा कि जलाशयों का संस्करण, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पशु संरक्षण, बाहरी रिंग रोड और अन्य सड़क परियोजनाएं, सोलर सिटी, वृक्षारोपण, नई रोजगार गतिविधियां आदि के लिए कार्य योजना बनाकर तेजी से काम कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व नेतृत्व में अयोध्या की प्राचीन संस्कृति, विरासत व परंपराओं को अक्षुण रखते हुए सभी आधुनिक सुविधाओं का समावेश कर इसका सर्वांगीण विकास किया जाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की विकास परियोजनाओं के संबंध में भूमि अधिग्रहण के मामलों को संवाद व सहमति के आधार पर शीघ्र निस्तारित किया जाए, प्रभावित दुकानदारों व निवासियों से व्यवस्थित पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, जल निकासी, अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए यूटिलिटी डक्ट की व्यवस्था की जाए जिससे सड़कों की बार बार खुदाई ना करनी पड़े, पंचकोसी, 14 कोसी और 84 कोसी परिक्रमा के महत्व मार्गों का निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न पथ व संप्रदायों, अन्य संस्थाओं, अतिथि गृहों, विश्रामालयों आदि के लिए भूमि की व्यवस्था की जाए। प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय को प्राचीन गौरव के साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान की परंपरा से समावेशित करते हुए विकसित किया जाए। सरयू नदी में सिल्ट जमाव के दृष्टिगत अयोध्या के सभी घाटों को संरक्षित करते हुए उनका सौंदर्यीकरण किया जाए। अयोध्या मेन स्पाइन रोड सुग्रीव किले से श्री राम मंदिर मार्ग, श्रृंगार हाट से श्री राम मंदिर और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग से संबंधित परियोजनाएं चल रही हैं। इनके अलावा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ग्रीनफील्ड टाउनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजनाएं पर भी काम किया जा रहा है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या में विकास परियोजनाएं चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर सवाल उठाए गए हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रुपए में बैनामा करा ली गई भूमि का 10 मिनट के अंदर 18.50 करोड़ रुपए में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया गया। यह भूमि सदर तहसील क्षेत्र के बाग बिजौसी में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 12,080 वर्ग मीटर है। पूर्व मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंदिर के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार की CBI जांच कराने की मांग की है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि यह भूमि रवि मोहन तिवारी नाम के एक साधु व सुल्तान अंसारी ने बैनामा ली थी। ठीक 10 मिनट बाद इसी भूमि का ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के नाम 18.50 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर दिया जाता है। बैनामा व रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 18 मार्च 2021 को किया गया। आरोप है कि बैनामा व रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र और नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। उन्होंने RTGS की गई 17 करोड़ रुपये धनराशि की जाँच कराने की मांग की है। कहा कि यह धनराशि कहां कहां गई इसका पता लगाया जाए और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य व उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी जाँच CBI और प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की है। संजय सिंह ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन खरीद व 18 करोड़ के एग्रीमेंट दोनों में ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा गवाह हैं। उन्होंने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। वहीं भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कुछ भी कहने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम मामले को स्टडी करेंगे, इसके बाद ही कुछ कहेंगे। उन्होंने इतना जरूर कहा कि हम पर आरोप लगते रहे हैं। चंपत राय ने कहा कि हम पर महात्मा गांधी की हत्या के भी आरोप लगे हैं, हम आरोपों से नहीं डरते, जो आरोप लगे हैं उसकी मैं स्टडी करूंगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी शनिवार 12 जून को एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। स्मृति ईरानी के दौरे के दौरान एक युवती
उनके सामने पहुंची और रोने लगी। जब उससे केंद्रीय मंत्री ने रोने का कारण पूछा तो उसने माँ के साथ लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट के स्टाफ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने मौके पर मौजूद अमेठी डीएम और एसपी को मामले की जांच के लिए आदेश दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेठी शहर के एक वार्ड निवासी महिला को पिछली 6 तारीख को तबीयत खराब होने पर संयुक्त जिला अस्पताल गौरीगंज में भर्ती कराया गया था, लेकिन तबीयत ज़्यादा बिगड़ने पर डॉक्टरों ने महिला को लोहिया संस्थान रेफर कर दिया। परिवारजनों मरीज को लेकर लोहिया की इमरजेंसी में पहुंचे। पीड़िता की बेटी का आरोप है कि वह 7 तारीख को उसकी मां को पहले इमरजेंसी के बाद में चौथी मंजिल के बेड संख्या 41 पर भर्ती कर दिया गया, जिसके बाद परिजनों को बाहर भेज दिया गया, किसी को मिलने नहीं दिया गया। बहुत निवेदन करने पर जब उसे मरीज से मिलने दिया गया तो उसकी हालत खराब थी। मिलने पर उसकी मां ने चिकित्सकों व स्टाफ द्वारा उसे मारने पीटने तथा कुछ गलत किए जाने की बात कही। घटना से पहले महिला डरी सहमी है। घबराए परिवारजनों ने आनन फानन शुक्रवार को मरीज को डिस्चार्ज करा लिया। मरीज को गौरीगंज स्थित जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। शनिवार को अचानक जिला मुख्यालय पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से युवती ने कहा कि मां को भर्ती कराने के बाद जब परिजन सुबह केस दर्ज कराने स्थानीय थाने पहुंचे तो पुलिस ने टकरा दिया। युवती की बात सुनने के बाद स्मृति ईरानी ने डीएम एसपी व सीएमओ से वार्ता कर मामले में कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वहीं लोहिया संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर श्रीकेश सिंह ने इस मामले में सफाई दी है। उन्होंने बताया कि मरीज को डिस्चार्ज करा कर ले गए मरीज से मारपीट व छेड़छाड़ के आरोप बेबुनियाद हैं। अभी तक कोई शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई है। मरीज को गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया था। डीएम अरुण कुमार ने कहा कि युवती के आरोप बहुत गंभीर हैं। पूरे मामले की जांच के लिए एसडीएम व सीओ गौरीगंज तथा एसीएमओ की जांच कमेटी गठित की गई है। महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण बताए जा रहे हैं। इसका इलाज मेडिकल कॉलेज में ही उपलब्ध है। जाँच कमेटी की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई होगी। इधर रविवार को पीड़ित महिला की मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ मॉक ड्रिल के दौरान कथित रूप से 22 मरीजों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत के बाद सामने आने के बाद श्री पारस हॉस्पिटल को जिला प्रशासन सील कर दिया गया। वहीं अब इस मामले में सौरभ अग्रवाल ने श्री पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ हत्या की शिकायत की है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी की 3 व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल किए हैं। ऑक्सीजन की दम घोटू मॉक ड्रिल के वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की आशंका पर वहां 4 दिन में भर्ती हुए मरीजों की फाइलें जब्त की हैं। ये रिकॉर्ड ही 22 मरीजों की मौत हुई है या नहीं इसकी तफ्तीश करेगा। 26 अप्रैल की रात 96 मरीज भर्ती थे। 27 और 28 को कितने मरीजों की मृत्यु प्रमाण जारी किए हुए ये बात जिला प्रशासन के कब्जे में रखे रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी न्यायिक जांच जारी है। श्री पारस अस्पताल का मामला शासन तक पहुंचने के बाद मंगलवार दोपहर जिलाधिकारी प्रभु एन सिंह, एसपी मुनिराज जी व प्रशासनिक अमले के साथ सबसे पहले जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डीएम ने रिकॉर्ड देखा और जरूरी फाइलें जब्त कराई। अस्पताल की बिल्डिंग सील है। यहां 25 अप्रैल से भर्ती मरीज का ब्यौरा जांचा जाएगा। उस समय मरीज किस स्थिति में आए और कितने लोगों की मौत हुई। वहीं सीलिंग की कार्रवाई करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम सीसीटीवी कैमरा की जांच हो करेगी। आईसीयू ब्लॉक में सीसीटीवी कैमरा लगा था, जिससे दम घोटू मॉक ड्रिल के दिन विभव नगर निवासी 34 वर्षीय कार्तिकेय लवानिया की श्री पारस अस्पताल में मौत हो गई थी। कार्तिकेय की रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन उनके फेफड़ों में संक्रमण था। बुधवार को उनकी सास मीना देवी ने कहा कि मेरे दामाद के साथ जो हुआ उससे तो डॉक्टरों से विश्वास ही उठ जाएगा। जनप्रभारी संस्था के संयोजक नरोत्तम शर्मा का कहना है कि जिला प्रशासन ने संदिग्ध मौतों का ब्यौरा 3 दिन बाद भी सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने जिलाधिकारी से अस्पताल में सभी प्रकार के रोगियों की मौतों की स्थिति सार्वजनिक करने की मांग की है। सहभाग hindi.oneindia.com, amarujala.com, डेली हंट, डेली होम, धन्यवाद, द डॉन एक्सप्रेस, नमस्कार।